Don't ignore what your heart says, because it's your power station. Help it remain healthy, because every heartbeat matters. Don't be alone. Stay connected. Connect with your heart and listen to the heart specialist this World Heart Day. Hi, I am Dr. Sunil Ganyal. I am a consultant cardiologist in NHMMI Hospital. So we are celebrating World Heart Day this month. And the idea of this event is to create awareness regarding the health problems so as to prevent the sufferings and the death which are related to the heart diseases. Heart attack se har saal millions log suffer karte hain. Complications bhi hote hain aur bahut sare aise log hote hain jinko agar timely treatment nahi milta to death bhi ho jati hai. Isliye isme jo sabse important cheez hai agar hame isse bachna hai तो हमें ये पहचानना होगा कि हार्ट अटैक्स के क्या सिम्टम्स होते हैं. उसे सिर्फ न पहचानना है बल्कि पहचानने के बाद जल्दी से जल्दी इलाज लेना रहता है, क्योंकि हम हार्ट अटैक में एक गोल्डन आवर की बात करते हैं. उसमें यह होता है कि अगर आप ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी लेंगे तो आप हार्ट न कि हार्ट अटैक से बल्कि उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन को भी बहुत हद तक कम कर सकते हैं. तो ऐसे कौन से सिम्टम्स होते हैं हार्ट अटैक के जिसे पहचानना बहुत जरूरी है? उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम्स होता है वो होता है चेस्ट पेन. तो चेस्ट पेन हार्ट अटैक या हार्ट से रिलेटेड जो डिजीज होती है उसका सबसे कॉमनेस्ट सिम्टम्स है. तो उसको पहचानने के लिए सबसे पहले मैं बात करूंगा लोकेशन. तो हार्ट अटैक या हार्ट से रिलेटेड जो चेस्ट पेन होता है उसका जो लोकेशन होता है वो हमारा जो नाभि है एम्ब्लाइकस और लोअर जॉ है उसके बीच में कहीं भी हो सकता है. और ये जो पेन होता है क्लासिकली अगर हम देखें तो छाती के बीचों बीच में होगा और वो कभी कभी रेडिएट होता है दोनों हाथों में रेडिएट हो सकता है, गले में रेडिएट हो सकता है, आपके लोअर जॉ में रेडिएट हो सकता है. और कोई भी पेन अगर एफोर्ड करने में, चलने में, या आप कोई भारी काम कर रहे हैं, अगर आपको चेस्ट में पेन होने लगता है और जैसे ही आप रुकते हैं तो वो पेन अगर 4-5 मिनट में चला जाता है तो ये क्लासिकल एंजाइना होता है. ये ऑलमोस्ट 100% हार्ट से रिलेटेड रहता है. चेस्ट पेन के बारे में अगर बात करें जैसे कैरेक्टर के बारे में तो यूजुअली जो लोग हार्ट अटैक का पेन लेके आते हैं वो इस तरह से बताते हैं कि उन्हें चेस्ट में हैवीनेस हो रहा है, दबाव पड़ रहा है, जैसे कोई आपने बहुत भारी पत्थर चेस्ट में रख दिया हो. कुछ लोग स्क्वीजिंग टाइप ऑफ चेन चेस्ट पेन बताते हैं जिसमें जकड़न हो रही है, अचानक से जकड़न होने लग जाती है. कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बताते हैं कि बहुत बर्निंग टाइप ऑफ पेन हो रहा है, बहुत जलन होती है अचानक से. ये पेन भी हार्ट अटैक से हो सकता है. और इसके अलावा और भी कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं हार्ट अटैक के, जैसे अचानक से सांस फूलना, चलते चलते सांस फूलना, ये भी हार्ट अटैक या हार्ट से रिलेटेड सिम्टम्स हो सकता है. कभी कभी लोगों का धड़कन अचानक से तेज हो जाना या बार बार बेहोश होना, या कभी कभी ऐसे भी सिम्टम्स होते हैं जो एसिडिटी जैसे लगते हैं कि एसिडिटी जैसा है, आपके एपिगेस्टिक एरिया है मतलब आपकी छाती से जस्ट नीचे आपको कुछ पेन हो रहा हो, आपको बेल्चिंग हो रहा हो, तो ये भी हार्ट अटैक से रिलेटेड हो सकता है. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने सिम्टम्स को जल्दी से जल्दी पहचानिए. इनफैक्ट हमारा जो टारगेट ये रहता है कि किसी भी मरीज को चेस्ट पेन 10 मिनट के अंदर पहचानना है और तुरंत जो भी नज़दीक का हॉस्पिटल है वहाँ पे जाके डॉक्टर की सलाह लेनी है. अगर आप घर पे हैं तो आप बिल्कुल पैनिक ना होए, सबसे पहले आप रिलैक्स रहिए, अपने साथ वालों को बताइए कि आपको पेन हो रहा है, आपको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुँचाएं. अगर आप अकेले हैं तो आप कॉल कीजिए हॉस्पिटल में या आपके नज़दीक जो भी आपके रिलेटिव्स हैं जो कॉल करके आप घर बुला के आप तुरंत हॉस्पिटल पहुँचने की कोशिश कीजिए. और कभी कभी अगर आपके घर में एस्प्रिन का टैबलेट है तो आप तुरंत एक एस्प्रिन का टैबलेट भी ले सकते हैं च्यू करके, क्योंकि ये भी देखा गया है कि एक सिंपल एस्प्रिन का टैबलेट हार्ट अटैक के रिस्क को 20-25% कम कर सकता है. स्पेशली ऐसे पेशेंट जो डायबिटीज़ हैं और जो मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स होते हैं, ऐसे लोगों को कोई भी ऐसा पहला चेस्ट पेन इग्नोर नहीं करना चाहिए, तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए. तो ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं हार्ट अटैक के सिम्टम्स को पहचानने के लिए. अगर आप सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक को जल्दी से जल्दी पहचानेंगे तो आप अपने आप को हार्ट अटैक से बचा सकते हैं. थैंक यू.